Hey there boys and girls, welcome back to new video. Pokemon ancestor Mew, जिसके पास हर Pokemon का DNA है और वह हर Pokemon में transform हो सकता है, ऐसा कहा जाता है. पर क्या सच में Mew हर Pokemon में transform हो सकता है? क्या ये बात सही है? या कुछ ऐसे भी Pokemon हैं जिनमें Mew transform नहीं हो सकता? So guys, आज की इस वीडियो में हम सब यही पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या Mew सभी Pokemon में transform हो सकता है, क्या ये बात सच है, या फिर कुछ ऐसे पोकेमोन हैं जिनमें Mew ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. और गाइस, मैं पहले ही बता दूं, ये सब थ्योरीज हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट अवर ऑसम वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि Mew हर पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. बट गाइस, Mew दो पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सकता ना. मतलब कहने का मतलब यह है, वह हो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट अगर हो में ही ट्रांसफॉर्म होते होते वह किसी दूसरे पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. तो यहीं से मैंने एक थ्योरी निकाली कि वह शायद फ्यूज़न पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. फ्यूज़न पोकेमोन जैसे हमने देखा है, रेजिरम और क्यूरम का फ्यूज़न, लूनाला और नेक्रोजमा का फ्यूज़न. तो गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की Mew जो है वह सिंगल पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी दो में नहीं. और हम सब जानते हैं फ्यूज़न दो पोकेमोन से होता है, तो शायद जो Mew है वह फ्यूज़न पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. Mew किसी भी पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो इस प्लेनेट में रहते हैं, बट उनका क्या जो इस प्लेनेट में नहीं रहते? मतलब मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्राबीस्ट या कोई ऐसा पोकेमोन जो इस प्लेनेट से बाहर का हो, तो क्या उनमें Mew ट्रांसफॉर्म हो सकता है? गाइस, मेरे को नहीं लगता कि Mew उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है. Mew सभी उन पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो इस प्लेनेट के हों, तो शायद Mew अल्ट्रा वीस्ट पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. पोकेमोन का एंसेस्टर Mew, जिसके पास सभी का DNA है, बट उन पोकेमोन का क्या जिनके पास DNA ही नहीं है? मेरा कहने का मतलब है मशीन पोकेमोन. तो गाइस, कुछ मशीन पोकेमोन हो सकता है कि उनके पास DNA ना हो, तो क्या Mew उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है? मेरे को तो नहीं लगता कि Mew उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं मशीन पोकेमोन के पास DNA नहीं होता, तो Mew उनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता शायद. गाइस, कंफर्मेशन नहीं है. मेगा एवोल्यूशन, मोस्ट फेमस एवोल्यूशन. सो गाइस, क्या Mew इसमें भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है? गाइस, वैसे Mew के पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन नहीं है, बट अगर वो किसी पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो, तो वो मेगा एवोल्यूशन या बोन एवोल्यूशन या गिगेंटामैक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए ट्रेनर चाहिए होता है, बट Mew के पास ट्रेनर नहीं है. तो गाइस, मेगा एवोल्यूशन में भी Mew ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. और अगर उसने उसका किसी कैच कर भी लिया, तो गाइस इस ट्रेनर के पास कितनी की स्टोन होंगी? और कोई ज़रूरी नहीं कि हर पोकेमोन के ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह उसके मेगा एवोल्यूशन या फिर गिगेंटामैक्स इन सब में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए. Mew, ऐसा कहा जाता है कि Mew हर पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो एग्जिस्ट करता है, तो उन पोकेमोन का क्या जो एग्जिस्ट ही नहीं करते? जैसे मैं बात कर रहा हूँ गाइस ओरिजिनल ड्रैगन की. गाइस, हम सब जानते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन अब एग्जिस्ट नहीं करता, वह बहुत समय पहले एग्जिस्ट किया करता था, बट अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पार्ट हैं अलग अलग. तो गाइस, क्या उनमें भी Mew ट्रांसफॉर्म हो सकता है? गाइस, मेरे को नहीं लगता कि Mew ओरिजिनल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. तो गाइस, ऐसे जितने भी पोकेमोन जो अब एग्जिस्ट नहीं करते लाइक ओरिजिनल ड्रैगन, Mew उनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. और गाइस, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि जो एग्जिस्ट नहीं करते, कि जो पोकेमोन इंट्रोड्यूस नहीं किए गए अभी तक. सो गाइस, जैसा हम जानते हैं कि 8th जनरेशन गैलर रीजन चल रहा है, सो गाइस, क्या 9th रीजन के पोकेमोन में Mew ट्रांसफॉर्म हो सकता है? नहीं ना. जब भी इंट्रोड्यूस होंगे तब 10th रीजन के 10th जनरेशन के पोकेमोन में Mew ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. सो गाइस, कहने का अर्थ यह है कि Mew उन पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाए गए. सो ये थे कुछ पोकेमोन जिनमें Mew ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. और गाइस, मैं एक और बार बता देता हूँ कि ये थ्योरीज थी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी. सो या अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर लेना, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी. सो गाइस, ये हैं पिछली वीडियो के पोके क्विज के विनर.
तो इनको मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेसन पॉकेट क्विज का आंसर देने के लिए। सो ये रहा आज की वीडियो का पॉकेट क्विज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।